नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको लखनऊ से बता दें, यूपी में निवेश को लेकर एक्शन में सीएम योगी नजर आ रहे हैं। आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर बैठक करेंगे। लोकभवन में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2 को लेकर बैठक जो है सीएम योगी करेंगे, जिसमें मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे मौजूद रहेंगे। तो हर मुमकिन कोशिश उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने की, और इसी को लेकर आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2 को लेकर बैठक करते हुए सीएम योगी नजर आएंगे, जिसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, और तमाम आला अधिकारियों के साथ सीएम योगी बैठक करेंगे और ब्रेकिंग सेरेमनी 2 में मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे। इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विक्रम राठौर फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। उस क्रम में अब जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की जो कमान है उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। इस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि सभी अड़चने हैं जो इसके आ रही निवेशकों को सभी चीजों को सॉल्व किया जाए। अब उन्हीं चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी निवेशकों को खुद बुलाया है कि उनसे सीधे मुलाकात करके मुलाकात के जो समस्याएं हैं समस्याओं को थोड़ा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सॉल्व करेंगे और सीधे उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। ये पूरी बैठक आज लॉकडाउन में होनी है, जिसमें की सभी विभागीय अधिकारियों के साथ निवेशक है वो भी मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर आप कानपुर से बता दें, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुबोध कटियार पर फायरिंग की गई। बाइक सवार युवकों ने फायरिंग की है और बिना नंबर की अपाचे बाइक से युवक आए थे। युवक ने कई राउंड फायरिंग की, बाल बाल किस तरीके से सुबोध कटियार बच गए। आयशर ट्रैक्टर एजेंसी के मालिक भी है सुबोध कटियार। बिल्हौर कोतवाली के मुरादनगर की घटना पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई है। आपको देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और ये युवक जो फायरिंग कर रहे थे सुबोध कटियार पे, वो एक अपाचे बाइक पर आए थे जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी, और सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से दो युवक आए हैं, एक ने हेलमेट लगाया, दूसरे ने मुंह पर दुपट्टा बांधा हुआ है, और जिसके बाद आपको बता दें कि इस अपाचे बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी। फिलहाल पुलिस इसी बाइक के जरिए जो है इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। ऐसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरजीत प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरजीत, पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई की बात करें, क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई? जैसा मैं ये बताना चाहूंगा, बिल्हौर के मुरादपुर में सोमवार को शाम तापमपुर गोलियों से चलने से दहशत फैल जाती है। आपको बता दें कि पुलिस के बेखौफ बदमाशों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख और ट्रैक्टर एजेंसी संचालक के ऊपर तापमपुर गोलियां चला दी। बताते चले कि अपाचे बाइक से सवार आए तो नाकाबपुर बदमाशों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुबोध कटियार के ऊपर तावत और गोलियां चला दी। हमले में सुबोध कटियार बाल बाल बच गए, लेकिन हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के खिलाफ आरोपियों की तलाश कर रही है। सुरजीत, अगर बात कीजिए, क्या ये युवक जो है किस तरीके कोई आपसी रंजिश या राजनीतिक रंजिश किस तरीके कोई इसमें पूरे में बताई जा रही है? अभी तक कहना मुश्किल है, क्योंकि सुबोध कटियार घायल अवस्था में है। पुलिस अभी अग्रिम कार्रवाई कर रही है, क्योंकि अभी बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बागपत से बता दें, तेज गति से आ रहा ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर पर सवार आधा दर्जन लोग ट्रैक्टर के नीचे दब गए, कई लोग इसमें घायल हुए, एक की हालत तो बहुत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली यमुनोत्री पर भीषण जाम लग गया और जाम के कारण कई लोगों की झड़पें हो गई। घंटों की मशक्कत के बाद जाम को खोला गया और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बागपत कोतवाली क्षेत्र के कलेक्ट्रेट के सामने यह हादसा हुआ, जहां ओवरलोडेड ये वाहन जा रहा था, जिसके बाद अचानक ये ट्रैक्टर पलट गया। लेकिन आपको ये भी बता दें कि घंटों मशक्कत करने के बाद ये जाम जो है खोला गया। इसी खबर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, अगर इसमें लापरवाही की बात की जाए तो तमाम ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन की भी है, कि आखिर पहले क्यों नहीं देखा गया कि एक ही वाहन पर इतने लोग सवार थे? जी, मैं आपको बता दूं, ये
जो कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट सामने की घटना है और यहाँ पर जो था एक मिट्टी पड़ी हुई थी और उसके बाद भी जो ट्रैफिक पुलिस के लोग थे उसमें ट्रैफिक पुलिस के लोग भी उसमें तस्वीरों में साफ देखे जा सकते हैं कि वो भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें डुलमिल नीति जो अपनाई जाती है इससे जो है अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है ये। और उसके बाद ट्रक तेजी से आता है, तेजी आने के बाद में पलट जाता है, उसके नीचे ही जो लोग थे वो दब गए और उनके बाद में निजी जो अस्पताल था वहाँ भर्ती कराया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।